हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आशीष दे आपके घर परिवार को, आपके बीवी बच्चों को आशीष दे हमारा परमेश्वर। वो महान है, वो जीवित है, उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियजनों, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप कह सकते हैं कि परमेश्वर दयालु है, माफ करता है। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आई एम सुजीत कुमार। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके बीवी बच्चों को आशीष दे। हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियजनों, आज हम एक प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं, रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। उस महान जीवित परमेश्वर का आप धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो महान है, वो जीवित है, उसकी करुणा सदा की है, अनंत काल की है। मेरे प्रियजनों, आज यहाँ पर बहुत सारे लोग मनुष्य का सहारा लेते हैं, इंसान का सहारा लेते हैं, वे भूल जाते हैं यीशु मसीह ने यशायाह की पुस्तक में कहा है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य का सहारा लेता है, उस पर भरोसा रखता है, उसके पीछे भागता है। अरे श्रापित है। मेरे प्रियजनों, इंसान का सहारा मत लो। इंसान आपसे पाप करवाएगा, रुलाएगा, बेविचार करवाएगा, पाप करवाएगा, परंतु यीशु मसीह आपको गले से लगाएगा, आपके पापों को क्षमा करेगा। यदि आप परमेश्वर से बोलते हो और पश्चाताप करते हो कि यीशु मसीह मेरे पापों को माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मैंने पाप किया, मैंने अधर्म किया, मैंने गुनाह किया, मेरे प्रियजनों आज आप परमेश्वर को बोल दो और यीशु मसीह आपको माफ करेगा, एक नया जीवन देगा। यदि आप परेशान हैं, लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, परमेश्वर मुझे बच्चे कैसे नहीं दे रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, मैं परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ, अरे कैसे बीमार हो, आपका बोलने का तरीका गलत है, आपका सोचने का तरीका, आपका देखने का नजरिया गलत है, आपका चाल चलन गलत है, और बोलते हैं परमेश्वर के ऊपर दोष देते रहते हैं। अरे जाओ अपना चाल चलन देखो और बोलो कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है। अपना बुराई छोड़ो, पाप छोड़ो, आंखों से क्या देखते हो, क्या सोचते हो, क्या अभिलाषाएं करते हो, परमेश्वर देख रहा है, आपका न्याय करेगा। अभी समय है, छोड़ दो और बोलो यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करो और बोलो परमेश्वर मैं बीमार हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं बेचैन हूँ, मैं उदास हूँ, मैं निराश हूँ, मुझे शांति दीजिए। परमेश्वर आपको शांति देगा। आप बुराई का रास्ता छोड़ोगे और धर्म का रास्ता पकड़ोगे, अगर उसके मार्ग पे चलोगे परमेश्वर के, तो मैं बता रहा हूँ परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको फलवंत कर देगा हमारा परमेश्वर। मेरे प्रियजन, जब दुख में है, तकलीफ में है, समस्याओं में है, बीमारी में है, गरीबी में है, बीमारी में है, उदासी में है, बेचैनी में है, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो आज मैं आपसे बता रहा हूँ परमेश्वर आपको चेंज करेगा। आपकी जो बीमारियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो बुरी परिस्थितियाँ हैं, जो बेचैनी है, जो घबराहट है, आज यीशु नासरी के नाम में चली जाएगी। जाती रहेंगी बीमारियाँ, जाती रहेंगी परेशानियाँ, जाती रहेंगी समस्याएं, जाती रहेंगी हर प्रकार के जादू टोने, जाते रहेंगे हर दुष्टात्मा के बंधन। यदि आप परमेश्वर को पुकारें, यीशु नासरी को पुकारें, परमेश्वर को बुलाएं, तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा। यदि आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, गरीबी में हैं, बीमारी में हैं, उदासी में हैं, बेचैनी में हैं, यदि आपका पुकारना परमेश्वर को भाग गया, तो मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर आपको बदल देगा, आपकी पूरी जिंदगी को पलट के रख देगा हमारा परमेश्वर। लोग चिल्लाते हैं, बोलते हैं शायद प्रभु मुझे बच्चा नहीं देगा, शायद परमेश्वर मुझे जॉब की आशीष नहीं देगा। वहाँ पे लोग चिल्लाते हैं, रोते हैं, अरे बंद कर दो अपना रोना बिलखना चिल्लाना, जो आप आंसू बहा रहे हो परमेश्वर अपनी कुप्पियों में रखता है, आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाते हैं, आपके आंसू को हमारा परमेश्वर कुप्पियों में रखता है और कीमती समझता है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जानता है। जो आप आंसू बहा रहे हो, जो भूमि गीली कर रहे हो, वो भूमि एक दिन सोना बना देगा मेरा परमेश्वर। आपके गिरे हुए आंसुओं को परमेश्वर कुप्पियों में रखता है मेरा प्रभु, आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रियजनों, आपको किसी इंसान से बताना नहीं है, आज आपको यहोवा जुलावर से बताना है, आज आपको यीशु पापा से बताना है, परमेश्वर से बताना है, यीशु मसीह से बताना है, और यीशु मसीह आपको चंगाई देगा, आपकी बीमारियां, आपकी समस्याएं आज चली जाएंगे यीशु नासरी के नाम में। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं, मैं जानता हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटो, मैं तेरा पिता हूँ, तुझे क्या चाहिए मैं तुझे दूंगा, मुझसे मांग, मुझसे प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थना विश्वास की होगी तो मैं तुझे दूंगा, क्योंकि मैं तेरा पिता हूँ, तेरी रक्षा करता हूँ, तेरी चिंता करता हूँ मैं, तुझे क्या चाहिए मैं तुझे दूंगा। मेरे प्रियजनों, आज आप ये सुनासरी को बोलो, आज हमारा परमेश्वर आपको दे देगा छप्पड़ फाड़ के। आज यहाँ पर चिल्लाते हैं लोग, मेरे प्रियजनों मैं आपसे बता रहा हूँ,
यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, सैनिकों ने उसके मुंह पर थूका, आंखों पे पट्टी बांध के उसके सिर पे सरकंडे डंडे मारते, बोलते बोल भविष्यवाणी कर तुझे किसने मारा। इतनी बेइज्जती यीशु नासरी ने सिर्फ हम सभी के खातिर सही, जो सजा सभी मानव जाति को मिलने वाली थी वो सजा यीशु पापा ने अपने पर लिया, क्योंकि परमेश्वर सभी से प्रेम करता था। आज मनुष्य प्रेम करते हैं, छोड़ देते हैं, चिल्लाते हैं, शायद मेरे परिवार के, मेरे घर के लोग मुझसे प्रेम नहीं करते। तो मैं आपसे बता रहा हूँ, अरे परमेश्वर ने अपनी जान दे दिया सिर्फ हम सभी के खातिर। उसने हम सभी से प्रेम किया है, हम सभी से प्यार किया है, वो कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं धोखा देता है। तेरी माँ, तेरे पुत्र, तेरे बेटे, तेरे भाई, घर के लोग तुझे छोड़ देंगे, परंतु परमेश्वर कहता मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने जो तेरा चित्र है, मैंने जो तेरा नाम है अपनी हथेली पे खोद के बना लिया है। मेरे बेटे तू क्यों चिंता करता है, तू क्यों परेशान है? मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरी जरूरतों को जानता हूँ, क्यों चिंता करते हो? आप क्यों निराश हो? आप क्यों उदास हो? देख, हमारा परमेश्वर बाहें फैलावे खड़ा हुआ है और बोलता है, आए मेरी बेटी, आए मेरे बेटो, मैं तेरी समस्याओं को ख़त्म करूँगा। एक बार मेरे सामने आके पश्चाताप कर ले, एक बार मेरे सामने आकर अपने पापों को मान ले मेरे प्रियजन। यदि आप ऐसा करते हो, हमारा परमेश्वर आपको जीव का त्यों बदल देगा मेरे प्रियजन। इस प्रार्थना को आँख बंद करके सुनना है, पूरे विश्वास से सुनना है और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करना है। चलिए हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा पवित्र हैं, पवित्र हैं, पवित्र हैं, पवित्र हैं मेरे परमेश्वर। आपकी महिमा करते, बड़ाई करते मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, जो आपने हम सभी को जीवितों के बीच में मेरे पिता जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपनी पंखों की आड़ में छिपा के रखा मेरे पिता। एक नया जीवन दिया है, अनंत काल का जीवन दिया है मेरे परमेश्वर। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से, परिवार वालों से वे बिछड़ गए होंगे, वे एक ऐसे स्थान पर चले गए होंगे जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के किले नहीं मरते हैं, जहाँ की आग कभी बुझती नहीं है, जहाँ का धुआं युगान उठता रहता है मेरे पिता। जो आपने हम सभी का नाम लेके बुलाया पिता, आपने कहा मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, तू मेरा ही है, मैंने तुझे माता के गर्भ से ही चुना है, तू मेरा ही है, मैंने तुझे पे चित्त लगाया है, तू मेरा पुत्र है, तू मेरी पुत्री है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज बीमार हैं, जो परेशान हैं, जो दुख में हैं, जो तकलीफ में हैं, जो घबराहट में हैं, जो डरे हुए हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो खाट अपने आंसुओं से अपनी खाट को भिगो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं बीमारियों को लेकर, घर वाले परेशान हैं, मैं आज घोषणा करता हूँ चंगाई की मेरे परमेश्वर, ये आज़ाद हो जाए मेरे परमेश्वर, ये चंगे हो जाए, चंगाई रसीब करो बोल कर अपने जीवन में, रसीब करो बोल कर आमीन, आज़ादी को रसीब करो बोल कर आमीन, आज़ाद हो जाओ बोल कर आमीन, आज़ादी को रसीब करो बोल कर आमीन, आज़ाद हो जाओ बोल कर आमीन, चंगाई को रसीब करो बोल कर आमीन मेरे परमेश्वर, ये आज़ाद हो जाए, ये चंगे हो जाए, ये आज़ाद हो जाए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ उन बहनों के लिए जो बहनें रो रही हैं, 10 साल से 20 साल से मेरे परमेश्वर, 2 साल से 3 साल से बच्चे की आशीष के लिए तरस रही रो रही मेरे पिता। मैं चाहता हूँ वो फूल इनके गर्भ में उगने पाए मेरे परमेश्वर, वो बच्चे की आशीष स्वर्ग से रिलीज हो जाए, ओ पिता बच्चे की आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जिन घर में लड़ाई झगड़ा होता है, दुष्ट आत्मा के बंधन है, काला जादू के कराधरा के बंधन है मेरे परमेश्वर, मैं डांटता हूँ गंदी आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को, इनका घराना आजाद हो जाए, हर एक लड़ाई झगड़े की गंदी स्पिरिटें छोड़े और जाए इनके जीवन से। मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ, हुक्म करता हूँ यीशु नासरी के नाम में, हर प्रकार के शराब के बंधन, जादू टोना के बंधन, बेबीचार के बंधन, बेबीचार की शराब की बंधन मैं काटता हूँ, मैं डांटता हूँ गंदी आत्माओं को, आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जो मसीह बाबा रात में नहीं सो पाता है, जिन्हें डर लगते भय लगते मेरे पिता, आपका वचन कहता है मेरे बेटे जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति अचानक आ पड़े तब तू न घबराना मेरे पिता। आपने सब व्यवस्था में कहा है मेरे पिता, मुझे विश्वास है पिता, आपने सब कर दिया है मेरे परमेश्वर, मुझे आशा विश्वास है पिता। छोटी स्मृति उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में मीठे और नाम में मांग लेते हैं, सुनिएगा और कबूल करिएगा, आमीन।